हेलो स्टूडेंट, हमारी जो अभी प्रेजेंट में की जो केमिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है आयनिक इक्विलिब्रिया, इसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपने लास्ट टाइम आयनिक इक्विलिब्रिया में इलेक्ट्रोलाइट्स देखे थे, आप लोगों को बताया था कि इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपने देखे थे, आपको पता चला था कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स टूट करके आयंस बनाते हैं सोल्यूशन में, जिसको कि उनकी आयनाइजेशन कहते हैं या फिर उनका डिसोसिएशन कहते हैं, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके टूटते हैं, कौन से वीक तरीके से टूटते हैं। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमने लास्ट दो लेक्चर्स में दी थी सीरीज में, और आपको बताए थे वो सारे फैक्टर्स जो कि इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करते थे। ओके, आज हमारा जो टॉपिक इसके आगे हमारा होगा वो एक बहुत फेमस टॉपिक से शुरू होगा, एसिड एंड बेस। ये जो हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस, ये आपने प्लस टू लेवल में भी जरूर पढ़ा होगा। तो एसिड एंड बेस से आज हम हमारे लेक्चर्स को शुरू करेंगे। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो टूटने के बाद आयंस बनाते हैं। आपको पता है वाटर में अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालें तो वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटते हैं, जो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। ये आपको पहले से जानकारी है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब ये वीक, ये एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं इसको डिस्कस करें, तो आपने ट्वेल्थ लेवल तक पढ़ा था कि जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं प्रवृत्ति में उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। जैसे कि दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड, इमली में पाया जाने वाला टार्टरिक एसिड, इसी तरीके से बहुत सारे एसिड्स के नाम आपने सुने हैं। और आपको पता है कि ज़्यादातर ये एसिड्स, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं हम, या फिर इस तरीके के गैलिक एसिड्स बोलते हैं, सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं ये टेस्ट करने पर, जुबान पर लगाने पर ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो पुराने डेफिनेशंस बच्चों एसिड्स और बेस की दी जाती थी समझाने के लिए कि एसिड्स इन्हें कहते हैं या फिर बेस इन्हें कहते हैं, मगर मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशंस इनसे थोड़ा अलग है और इन डेफिनेशंस को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एसिड एंड बेस की जो सबसे पहली और सबसे क्लासिकल डेफिनेशन आती है बच्चों, वो आती है आर्हीनियस की, आर्हीनियस की डेफिनेशन, एसिड बेस की थ्योरी। इसे आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो आर्हीनियस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस में बहुत ज़्यादा काम किया था, उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस या स्पीसीज जो कि जिनके पास एच पॉजिटिव आयन होते हैं उनको एसिड्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी स्पीसीज जिन पे कि एच पॉजिटिव आयन होंगे और आप उनको समझ देख पाएंगे कि यहाँ एच पॉजिटिव आयन जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये एसिड्स हैं। इनके कुछ एग्जांपल देते हुए आर्हीनियस ने HCl का एग्जांपल दिया था। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए ये मिनरल एसिड्स की कैटेगरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप सब लोगों को पता है कि इसमें एच पॉजिटिव आयन ये रहा है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इस कैटेगरी में कोट करें तो H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दो प्रोटोन हमारे को यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों और दे सकते हो। तो जो भी एसिड्स होते हैं उनके पास एच पॉजिटिव होता है, ऐसे आर्हीनियस ने कहा और अपने एग्जाम्पल में ये बातें बताई। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी पकड़ लो, तो इसमें ये एच पॉजिटिव जो होगा, ये प्रोटॉन जो होगा, ये बताएगा कि ये कंपाउंड एसिडिक है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो एक बहुत पुरानी डेफिनेशन थी, इससे उन्होंने एसिड्स के बारे में बताया। और उनसे जब पूछा गया कि बेस क्या होते हैं, तो बेस के लिए उन्होंने कहा कि बेस वे होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव होता है, जिनके स्ट्रक्चर में OH नेगेटिव होता है उन्हें बेस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया गया, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल बनाना चाहें तो KOH, LiOH, ये एग्जांपल्स इसके बनाए जा सकते हैं। या फिर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सुना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल बनाना चाहें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स एसिड और बेस की कैटेगरी में इस डेफिनेशन के थ्रू कवर होते हुए हमने देखे थे। तो इन्हें आर्हीनियस ने समराइज करते हुए क्या कहा कि ऑल दोज स्पीसीज विच कंटेन एच पॉजिटिव आर नोन एज एसिड्स एंड विच कंटेन OH नेगेटिव दे आर नोन एज बेस। और इनके ये सारे एग्जांपल्स आर्हीनियस ने दिए। तो बच्चों ये तो थी सबसे पहली थ्योरी जो कि आर्हीनियस ने दी
और एसिड बेस के बारे में जिससे थोड़ी बहुत जानकारी हमें लग रही थी, तो ये थ्योरी आप एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव से बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें हिंट के लिए एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव लिख दिया, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो पहली थ्योरी थी, मगर ऑब्वियस सी बात है जब शुरुआती थ्योरियाँ आती हैं तो वो कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बनी होती हैं, जैसे कि ये थी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने थे, मगर धीरे धीरे इन एग्जाम्पल्स में कुछ कमियाँ निकलने आ जाती हैं। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जब जब कंपाउंड पता करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स निकलेंगे, तो हमें पता चलेगा ये पुरानी थ्योरी जो इन्होंने दी थी इसमें बहुत सारी खामियाँ रह गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी खामियाँ इसके केस में आई उसको समझाने के लिए नेक्स्ट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दी गई है धीरे धीरे, है ना। तो मैं इसकी कुछ खामियां बता रहा हूं आपको, आप लोग देखिए कि हमने अभी तक समझा कि केवल उन लोगों को या उन स्पीसीज को हम लोग एसिड्स कहते हैं जहां पे कि एच पॉजिटिव होता है, या फिर उन स्पीसीज को हम बेस कहते हैं जहां पे ओएच नेगेटिव होता है। इस तरीके से अगर हम इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए एसिड और बेस डिसाइड करें बच्चों, तो हम NH3 को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया जो है वो कैसा होता है, अगर हम पुरानी थ्योरी से ध्यान में दें तो हम समझ सकते हैं कि इसमें तीन प्रोटॉन है। हमें ऐसा अंदाजा होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, कहने का मतलब ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। मगर आप सब लोगों को पता है कि अमोनिया जो है, अमोनिया एक बेस होता है, ठीक है ना, अमोनिया एक बेस होता है। तो अब कोई चीज एसिड और बेस कैसे है, ये पुरानी थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी, है ना। आप लोग देख रहे हैं अगर ओ एच नेगेटिव ढूंढने लगेंगे तो इसमें तो कहीं भी ओ एच नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको बेस तो किसी भी हद से नहीं मानेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि इसमें प्रोटॉन है तो ये एक एसिड है ना। तो यहाँ पे थ्योरीज की बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस आ गई जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस थ्योरी जो रहेगी लिमिटेड हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की डिमांड होने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थ्योरी जो ऐसे एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई और प्रपोज की गई, उसका नाम था ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड और लोरी की एसिड और बेस की थ्योरी, ये नेक्स्ट थ्योरी है बच्चों हमारी, जो कि किसी एसिड और बेस के कैरेक्टर्स को समझाने के लिए दी गई। ठीक है, अब आप देखें जो पुराने वाले में अंतर था वो ये था कि जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है वो लोग भी बेस की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एक थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि किसी को एसिड और बेस कब कहेंगे, जब वह प्रोटोन को ले या दे सकने की क्षमता रखेगा। ठीक है, इसको समझें तो ऐसी स्पीसीज, ठीक है, जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं उनको कहेंगे एसिड्स। ठीक है, ऐसी चीज, ऐसी स्पीसीज जो H पॉजिटिव को डोनेट कर सकेंगे, जैसा कि आर्हेनियस ने भी कहा था जिनके पास H पॉजिटिव होगा, जिन पे होगा वही तो डोनेट करेंगे, तो जो डोनेट कर सकते हैं उनको एसिड कहेंगे। और ऐसी स्पीसीज जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकेंगे उनको बेस कहेंगे। ठीक है, ये दूसरी और इससे एडवांस लेवल की थ्योरी है, जो कि केवल किस चीज पे केंद्रित है, H पॉजिटिव के होने या ना होने पे। देखिए, अगर किसी के पास H पॉजिटिव होगा तो वो उसको डोनेट कर सकता है, और अगर वो उसको डोनेट करने वाला है तो उसका नाम एसिड होगा। इसी तरीके से एक और तरीके की स्पीसीज हो गई जिन पे एच पॉजिटिव नहीं है, मतलब उन पे कमी है एच पॉजिटिव की, तो वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएंगे और ऐसे लोगों को हम बेस कहेंगे। तो ये थ्योरी उससे थोड़ी सी एडवांस लेवल की थ्योरी थी। कुछ एग्जांपल देखते हुए इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस पे एच पॉजिटिव होगा, अभी जैसे HCl मैंने बोला, तो HCl में एच पॉजिटिव है, तो जब जरूरत पड़ेगी HCl एच पॉजिटिव को बाहर निकाल सकता है, ठीक है ना। या फिर हमने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें भी आपको स्पष्ट एक H पॉजिटिव दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, जो कि प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर निकल सकता है जब इसको निकालना चाहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक H पॉजिटिव या एक से अधिक H पॉजिटिव जहाँ पे होंगे और इस तरीके से होंगे कि वो निकल सके बाहर, तो उनको कहेंगे एसिड्स,
ठीक है। दूसरी तरफ अमोनिया का एग्जाम्पल ले करके समझाया गया, ये अमोनिया जिसको कि इन्होंने बेस कहा, अगर हम कह रहे हैं कि ये बेस है तो ये जरूर एच पॉजिटिव को ले सकेगा। तो बच्चों जब भी अमोनिया की हाइड्रोजन आयन से या फिर प्रोटॉन से रिएक्शन कराएंगे तो ये एक बहुत स्पीड से रिएक्शन करके अमोनियम आयन बनाएगा, जो कि एक रिएक्शन है, फिजिबल रिएक्शन है, इसलिए इसको कहेंगे कि इस कंपाउंड को प्रोटॉन एक्सेप्ट करनी है, ये एक्सेप्ट करता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो एक बेस हो जाता है। तो इस डेफिनेशन से यहाँ से हम लोगों ने अमोनिया को बेस कैसे माना जाए इस बात को प्रूफ कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई दूसरी थ्योरी और दूसरी थ्योरी की के प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसने अमोनिया को कैसे बेस समझा जाए इस बात को समझा दिया। तो इस थ्योरी को लिखते समय जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाए तो इस क्वेश्चन इस थ्योरी को आंसर करते समय आप लोगों ने ब्रॉस्टेड लोरी की थ्योरी में आपने क्या बोलना है कि प्रोटॉन एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, इसको कहेंगे बच्चों प्रोटॉन, ठीक है ना, और ले सकना और दे सकने को क्या कहेंगे ट्रांसफर, है ना ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, ठीक है ना। ये एक ऐसी थ्योरी हो गई जिसमें कि प्रोटॉन के ट्रांसफर को डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था ब्रॉस्टेड एंड लोरी ने, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी बाय ब्रॉस्टेड एंड लोरी, ओके। इस एग्जांपल को अमोनिया के एग्जांपल को कोट करते हुए आप इसके इसको बताएंगे कि एच पॉजिटिव डोनर आर एसिड और एच पॉजिटिव रिसीवर्स, ये हो गए बेस। रिसीवर का मतलब ग्रहण करने वाला, डोनर का मतलब देने वाला। तो इस तरीके से ब्रॉस्टेड ने अपनी ब्रॉस्टेड और लोरी ने मिलकर के ये एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा किसी एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान, ठीक है, किसी एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान वो स्पीसीज जो कि प्रोटॉन को देंगे एसिड कहलाएंगे और जो प्रोटॉन को लेंगे उन्हें बेस कहा जाएगा, ये ब्रॉस्टेड लोरी ने कहा। तो बच्चों एक बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए अगर कोई स्पीसीज प्रोटॉन दे रही है तो वो तभी प्रोटॉन देगी जब दूसरे को जरूरत है, है ना। अदरवाइज तो ये प्रोटॉन क्यों देगी, ये तो इसकी अपना प्रोटॉन है ना, कोई प्रोटॉन क्यों देगा जब उसको जरूरत है। या फिर ये बोले कि ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, कब कर रहा है, जब कोई दे रहा है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि एसिड के बिना बेस और बेस के बिना एसिड की कल्पना नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये एक प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। जो भी जहाँ पे भी आप किसी एसिड या बेस को देखेंगे वहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि प्रोटॉन इधर से उधर जा रहा है, किस पे किससे जा रहा है और किसके पास जा रहा है। तो हमेशा जैसे एक एग्जांपल देते हुए बच्चों, इस एग्जांपल को देते हुए मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। देखिए जैसे मैंने एक अमोनिया बना लिया, अमोनिया, और एक एसिड के लिए मैंने एग्जाम्पल बना दिया HCl। वैसे तो अब तक आप लोग समझ चुके हैं कि HCl एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, मगर जब आप इस रिएक्शन को करवाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है बच्चों, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तभी इसका नाम एसिड है, जब ये प्रोटॉन दे पाया, और इसका नाम तभी बेस है जबकि ये प्रोटॉन ले पाया। इसलिए इस थ्योरी को आपस में जोड़ करके ही बोला जाता है, हमेशा एसिड और बेस साथ साथ आते हैं, ठीक है ना। जबकि पुरानी थ्योरी में वो कह रहा था कि किसी को भी एसिड बोल देंगे जहाँ पे प्रोटॉन है, जो कि आपने देखा ऐसा संभव नहीं, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों ने बच्चों ब्रॉस्टेड एंड ल्यूरी के थ्रू पढ़ ली, ठीक है। इसके बावजूद भी, इन दो थ्योरीज के बावजूद भी कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे सामने आए बच्चों जिनको देख करके हम ये नहीं समझ पाए कि हम इन्हें एसिड बोलें या फिर हम इन्हें बेस बोलें, ठीक है ना। और ऐसा एक एग्जांपल देते हुए मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा, उसको आप देखिए और इमेजिन कीजिए कि ये एक एसिड हो सकता है या एक बेस हो सकता है। देखिए
या फिर एक एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखी, या फिर लाइए तीसरा एग्जांपल भी रख देते, या लाइए एक और एग्जांपल रख लेते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैंने तीन एग्जांपल बनाए क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट टाइम है उसके अंदर हमें एग्जांपल को समझना है, मगर आप ऐसे 50 एग्जांपल और बुक में भी पढ़ सकते हैं बच्चों, जिनको बनाने के बावजूद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इनको एसिड कहें या बेस कहें, तो आप लोग इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिए जैसे BeCl, क्या इसमें कोई प्रोटॉन है, क्या इसमें कोई प्रोटॉन की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, आपको किस तरीके से ये लग सकता है कि ये एसिड है या बेस है। पुरानी दो थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए समझें कि इनमें से किसी के पास भी कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन नहीं है तो क्या ये सारे के सारे बेस हो गए, क्या इनमें से कोई भी एसिड नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों इस बात का आंसर समझने के लिए आपको इन दोनों से हट करके और एक थोड़ी सी एडवांस थ्योरी की जरूरत पड़ने लगी, जिस थ्योरी को देने के लिए, जिस थ्योरी को दिया किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान रखना है। और आज की डेट में बेसिकली अगर एक थ्योरी आपको याद रखनी है तो वो है ये लेटेस्ट थर्ड थ्योरी, और इसका नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। ये जो नेक्स्ट थ्योरी है बच्चों हमारी, ये है लुईस एसिड बेस थ्योरी। अभी लुईस एसिड बेस थ्योरी अगर आपको समझ में आएगी बच्चों, तो आप लोग ये समझ पाएंगे कि हम किसको एसिड कहते हैं बेसिकली और किसे बेस कहते हैं। तो लुईस ने एसिड और बेस के ऊपर एक कंसेप्ट ड्रॉ किया, ठीक है, और उस कंसेप्ट को समझे। ये कंसेप्ट कहता था ऑल द स्पेसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस, ठीक है बच्चों। इस लाइन को आप बिल्कुल ध्यान रख लें, ऑल द स्पेसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज बेस, ठीक है। इसका मतलब है लुईस ने प्रोटॉन को ध्यान में ना रखते हुए और प्रोटॉन को बेस ना बनाते हुए केवल किस चीज को बेस बनाया, इलेक्ट्रॉन को बेस बनाया। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना बेस होने या ना होने की निशानी है। देखिए ऐसी कोई भी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन देती हैं या दे सकती हैं उनको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो एक पोर्शन है बेस का, तो बेस की डेफिनेशन तो लुईस ने ये दी, एसिड की डेफिनेशन हम खुद ही पैदा कर लेंगे। स्पीशीज रिसीव्स, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं स्पीशीज एक्सेप्ट या फिर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है ना। तो ये हमारी लुईस एसिड की और लुईस बेस की थ्योरी हो गई, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड उनको कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और लुईस बेस उन्हें कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इनको विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल आपके बोर्ड में ड्रॉ किया था और ये एग्जांपल था पिरिडीन का। बच्चों इस कंपाउंड को कहते हैं, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है पिरिडीन। अगर इसका स्ट्रक्चर आप करेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नीचे पे नाइट्रोजन के साथ ये दो बिंदु दिखाना है जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कहीं पे भी यूज नहीं हुए होते, ये खाली रहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है मगर ये कहीं पे भी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए, इसलिए इनका नाम क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी बॉन्ड बनाने में काम नहीं हुए हैं, यूज नहीं हुए, इसलिए ये क्या है, इसके पास उपलब्ध है, ये इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। अब चूंकि ये इसके पास प्रेजेंट है, उपलब्ध है, तो ये कंपाउंड चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना। अगर ये कंपाउंड चाहे तो इस पे इलेक्ट्रॉन है तो ये दे तो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो इसलिए दे सकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। देखो यहां से आप देख करके ड्रॉ कीजिए इसका स्ट्रक्चर कि ये दे सकता है इसलिए ये बेस हो गया। दूसरा एग्जांपल अमोनिया वाला,
लीजिए, अमोनिया के स्ट्रक्चर को चेक कीजिए, मैंने अगेन अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया। अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ तीन प्रोटॉन तो हैं, मगर नाइट्रोजन के ऊपर अगेन ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है और वो दे सकता है, इसलिए अमोनिया बेस कहलाता है, ना कि इसलिए कि इसमें तीन प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब आप पुरानी थ्योरी ब्रॉस्टेड लोरी की थ्योरी को ना भी पढ़े तो आपका काम चल जाएगा, आपको सीधा पता हो जाएगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और किसके पास इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त मात्रा है, तो ऐसे आप एसिड और बेस को समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं एसिड का दे रहा हूं और आप एसिड के इस एग्जांपल को देखिए, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो गया हमारा BCl3, ठीक है ना, ये बोरोन ट्राइक्लोराइड हो गया, ये बेरिलियम डाइक्लोराइड हो गया, या बेरिलियम क्लोराइड हो गया। तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड है, इस बेरिलियम क्लोराइड के अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करें बच्चों, तो इस बेरिलियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है, पीरियडिक टेबल में जो दूसरे नंबर का ग्रुप आता है उसका मेंबर है। अब चूंकि ये दूसरे ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन को इसने इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट साझा करा दिया और एक को इसने इधर वाले क्लोरीन के साथ साझा करा दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बेरिलियम के पास चार ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, ठीक है ना, इस बेरिलियम के पास केवल चार ही इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, जो कि इसके ऑक्टेट से, जो कि किस चीज से, ऑक्टेट से चार कम है। देखो ऑक्टेट का मतलब होता है आठ, हर किसी एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, ये रूल तो आपको पता ही है। अब चूंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार इसके पास है, चार और चाहिए, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अब चूंकि इस पे कमी है, तो ये इस कमी की पूर्ति दूसरों से मांग के कर सकता है ना, तो ये क्या कर सकता है, रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है या मांगता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाना चाहिए, बेस। इसी तरीके से मैं बोरोन का एग्जांपल ड्रॉप करें हम, तो बोरोन जो है, बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताएं, बोरोन के वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, और इन तीन इलेक्ट्रॉनों को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों ने तीन क्लोरीन से साझा करके एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो एक एक सिग्मा बॉन्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया, और बोरोन के पास अपने पास कितने हो गए, ये आप देख सकते हैं कि बोरोन के पास तो ये छह इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन की सबकी क्लोरीन में सात इलेक्ट्रॉन अपने पास है और छह इलेक्ट्रॉन अपने पास है और दो इलेक्ट्रॉन ही है, तो टोटल आठ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, मगर बोरोन के पास ऑक्टेट में केवल छह ही इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट से दो कम है ना। तो इन दो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की कमी को वो किसी से मांग के पूरा कर सकता है ना, तो जो कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन मांग के पूरा करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसलिए जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं, उनको लुईस के अनुसार बेस समझा जाएगा, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेंगी, ले सकती हैं, उन्हें लुईस के अनुसार एसिड कहा जाएगा। तो इसे लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट कहते हैं। एग्जांपल देते हुए आप चाहें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये पिरिडीन हो गया, पिरिडीन में दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, और बोरोन में दो इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो मैं ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इससे इसकी तरफ सरका देता हूं, तो अब इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाने से अपनी कमी पूरी हो जाएगी, और इस पे तो दो इलेक्ट्रॉन बने ही रहेंगे, ये परमानेंटली देता नहीं है, इसलिए ये इस पे कमी भी नहीं होगी, और इसके भी आभासी रूप में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकेंगे, जिस रिएक्शन में एक चीज एसिड रहेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हैं, एरो का हेड उस तरफ है, और जहां से जा रहे हैं वहां पे टेल है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिरिडीन इज अ बेस एंड बोरोन ट्राइक्लोराइड इज अ एसिड। तो इस तरीके से आपने अभी तक एसिड
लुईस एसिड और लुईस बेस की लेटेस्ट डेफिनेशन बनी पड़ी, लुईस एसिड और लुईस बेस की लेटेस्ट डेफिनेशन पड़ी, इलेक्ट्रॉन रिसीवर और इलेक्ट्रॉन डोनर की फॉर्म में, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले एसिड और बेस को समझा, ठीक है। इतना समझ जाने के बाद आपको अब मैं थोड़ा और आगे डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली हमारी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रिया, और हम लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से एसिड और बेस की कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं। तो एसिड और बेस किसे कहते हैं ये तो अभी तक हम समझ चुके हैं, अब हमें देखना है कि आयनिक इक्विलिब्रिया में एसिड और बेस का रोल क्या है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हर बार तो हम ये नहीं देख सकते किसी के स्ट्रक्चर में कि कितने प्रोटॉन हैं या वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है बच्चों। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, और उन रिजल्ट्स के बेसिस में हम लोगों ने ये पाया है कि इसको हम एसिड कहेंगे, इसको हम बेस कहेंगे और इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब न्यूट्रल कहेंगे, ना ये एसिड है ना ये बेस, ठीक है बच्चों। तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंटल केस को हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है जिसको कि आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर जगह दी गई है, और इस केस का नाम है, पीएच, इस केस का नाम है पीएच। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन को कहते हैं पीएच, और ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी जो वैल्यू रहेगी उससे हम अनुभव करेंगे कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक एसिड है या बेस है। तो ये एक तरीके से एक स्केल है बच्चों, ये एक तरीके से एक स्केल है। पीएच क्या है? एक स्केल है। इस पीएच के स्केल के सेंटर में लिखा हुआ है 7। क्या लिखा हुआ है? 7, ठीक है। ये स्केल इस तरफ बढ़ता है और इस तरफ घटता है। शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है 0 से, और खत्म कहां पे होता है बच्चों? ये एंड होता है 14 पे, 14 पे, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी कंपाउंड के बारे में बात करूं, मैं आपको किसी यौगिक के बारे में बात करूं और बोलूं कि ये एक एसिड है, तो आप कहेंगे कि ये अगर एसिड है तो इसका पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। और यदि मैं किसी को कहूं कि ये एक बेस है तो आप कहेंगे कि इसका पीएच 7 से अधिक होगा, ठीक है। पहली बात, पीएच क्या है? पीएच एक मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और उस वैल्यू से ये पता चलता है कि कोई कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। इसको एक स्केल की तरह मान सकते हैं, ठीक है, जिस स्केल के सेंटर में 7 है। 7 से कोई भी नीचे की वैल्यू, पीएच में 7 से कोई भी नीचे की वैल्यू एसिड्स के होने को इंडिकेट करेगी, और 7 से ऊपर की वैल्यू बेस के होने को इंडिकेट करेगी। तो सबसे पहले तो ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है, आपको इसको हमेशा दिमाग में बना के रखना है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एसिड्स न्यूट्रल एंड बेसेस। सबसे पहला हिंट तो आपको दिमाग में जो बना करके रखना है ये रखना है कि एसिड्स किन्हें कहते हैं? विथ पीएच लेस देन 7, इनको कहते हैं एसिड्स, ठीक है। दूसरा है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, न्यूट्रल का मतलब हो गया उदासीन, जो ना एसिड हो और ना बेस हो। विथ पीएच इक्वल टू 7, जिनकी पीएच 7 के बराबर हो। और तीसरी चीज हो गई बेस, विथ पीएच मोर देन 7, मोर देन 7, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एसिड और बेस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये सबसे पहली डेफिनेशन है।
तो अगर मैं अगर आपको पूछूं कि 7.1 किसी की पीएच है तो ये एसिड होगा या बेस, तो आप कहेंगे ये एक बेस होगा। मैं अगर पूछूं 6.9 किसी की पीएच है तो ये क्या होगा, एक एसिड होगा। 6.9 वाली पीएच वाला क्या होगा, एक एसिड होगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि किसी की पीएच 7 है, शार्प 7 है, तो आप क्या बोलेंगे, ये ना एसिड होगा ना बेस होगा, ये कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो ये एक पहली बात। दूसरी बात, 7 से जैसे जैसे कम होते जाओगे, कोई कंपाउंड 7 से कितना 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 कम है इससे डिसाइड होगा कि वो कितना अधिक एसिडिक है, ठीक है। और कोई चीज 7 से कितनी ज्यादा अधिक है, इसकी पीएच 7 से जितनी ज्यादा अधिक है वो उतना अधिक बेस है। अधिक बेस का मतलब उतना प्रबल बेस है, उतना ज्यादा क्षार है, उतना अधिक क्षार है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को इस फीटे में जो बताया गया है, इस स्केल में जो बताया गया है, एक तो आपको ये बताया गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। अगर आपका एसिड है तो वो 7 से नीचे होगा, बेस है तो 7 से ऊपर होगा, पर 7 से जितना कम है उतना अधिक एसिडिक होगा, और 7 से जितना अधिक है उतना अधिक बेसिक होगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 0 से जैसे धीरे 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 आगे बढ़ेंगे 14 की तरफ, तो उसका क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा और अम्लीय गुण कम होता जाएगा। इसी तरीके से 14 से नीचे आते समय इसका उल्टा होगा। एक बात आपको दिमाग में ये भी बनानी है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपको पूछूं, ये दूसरा हिंट बताने के बाद, अगर मैं आपको पूछूं 3.5, 2.7, 5.9, 13.9 और 5.7, इन चारों में से कौन एसिडिक है, तो आप क्या बोलेंगे, इनमें से पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि इन चारों में से ए, बी, सी और डी में से सबसे अधिक कौन अम्ल है, तो आप बोलेंगे ए भी अम्ल है, बी भी अम्ल है और डी भी अम्ल है, क्योंकि इन तीनों की पीएच जो है 7 से नीचे, और इसमें सी जो है वह क्षार है। एक बात आप ये बोलेंगे। दूसरा मैं पूछूंगा कि सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो जिसकी पीएच सबसे कम होगी वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, मतलब बी जो है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबसे जो प्रबल अम्ल है। और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, सी सबसे कम अम्लीय है, ठीक है, 5.7 वाला नहीं, सबसे कम अम्लीय सी सबसे कम अम्लीय है, क्योंकि यह सबसे अधिक क्षारीय है, यह सबसे अधिक क्षारीय है, इसलिए सी वाले को आप कहेंगे सबसे कम अम्लीय है या फिर सबसे अधिक क्षारीय है। और इसी तरीके से बी वाले को कहेंगे सबसे अधिक अम्लीय है और सबसे कम क्षारीय। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस मीटर को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इस बात को भी आपने समझ लिया। अब आपको मुझे जो नेक्स्ट बात बतानी है वो है पीएच की कैलकुलेशन। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, पीएच जो है, जिसका नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, वो एक मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, वो एक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से या रिलेशन से बोल दें, और उस रिलेशन को मैंने आपके सामने बोर्ड में बना दिया, ठीक है बच्चों। पीएच क्या है, पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसकी यही डेफिनेशन है, इसका यही फॉर्मूला है, और ऐसे ही ये निकलता है। तो मैं अगर कहूं कि व्हाट इज पीएच, तो आप कहेंगे पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए, पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बना सकता हूं बच्चों, थोड़ी सी मैथ्स का सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें,
वन अपॉन एच पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने नेगेटिव हटा करके एच पॉजिटिव को जो किया, क्या किया है, एच पॉजिटिव को नीचे लेके आ गया और डिनोमिनेटर में लेके आ गया। तो ये इसका ही फॉर्मूला है जिसको दूसरे तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बता रहा है कि पी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच पॉजिटिव की, ठीक है, पी एच जो है एच पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब जैसे जैसे एच पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी पी एच की वैल्यू कम होती जाएगी, या फिर जैसे जैसे एच पॉजिटिव की वैल्यू कम होती जाएगी पी एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोग समझ चुके हो। मैंने कहा आपको पी एच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन ये एक मैथमेटिकल प्रोडक्ट है जिसको मैथमेटिक्स से एक एक्सप्रेशन से इस रिलेशनशिप से निकालते हैं। इस पीएच की जो वैल्यू होती है वो केवल और केवल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर आपको मैं कहूं कि H पॉजिटिव को एक बार के लिए, एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए एसिड से रिप्लेस कर लो, मतलब मान लो कि जो मैंने H पॉजिटिव लिखा है वहां पे एसिड लिखा हुआ हो, तो आप कहेंगे कि pH जो होता है वह एसिडिक नेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जैसे ही किसी कोई पदार्थ का एसिडिक नेचर या अम्लीय गुण बढ़ेगा उसकी pH कम होती जाएगी, और जैसे ही इसका अम्लीय गुण कम होता जाएगा इसकी पीएच बढ़ती जाएगी। ये वही बात हो गई जो अभी हमने स्केल के थ्रू समझी थी, जो मैंने आपको बोला था सात बीच में है और इस तरफ पीएच कम होता जा रहा है, पीएच कम होता जा रहा है और अम्लीय गुण बढ़ता जा रहा है। देखिए ये अम्लीय गुण बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से इस तरफ जाएंगे तो अम्लीय गुण कम होता जाएगा, कम होगा, ठीक है ना, मगर पीएच बढ़ती जाएगी, 14 तक बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप पीएच को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से निकालते हैं और निकालने के बाद ये पता करते हैं कि जो जिसकी पीएच ये है, जिसकी भी पीएच हमने निकाली है, वो एसिडिक है या बेसिक है, और एसिडिक है तो अच्छा एसिडिक है या कमजोर एसिडिक है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इस तरीके से आप एसिड और बेस को निकालते हैं और उनकी मात्रा की जानकारी लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी डेफिनेशन किस चीज की, पीएच की। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि मैं कैसे पीएच को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप इस चीज को समझेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक विलयन है, क्या है हमारे पास एक विलयन, इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, देखिए कंसंट्रेशन को हम कैपिटल ब्रैकेट जो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं 0.001 है, इतने मोल्स पर लीटर है, इतने मोल्स पर लीटर है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हमें प्राप्त है, पता है, तो हम इस नॉन कंसंट्रेशन से क्या निकाल सकते हैं, इसकी पीएच निकाल सकते हैं। तो पीएच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। इस फॉर्मूले के अनुसार पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो कि हमें दी हुई है 0.001। तो मैं यहां पे अगर इस वैल्यू को रख लूं बच्चों तो ये क्या निकल जाएगा, पीएच निकल जाएगा। देखिए अब इसके बाद ये क्या है, सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई है। अब आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके ही दिखा देता हूं। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग 10^-3। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10^-3। अब 10^-3 मैंने उसको लिखा तो लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, माइनस और ये माइनस थ्री आगे आ जाएगा और लॉग 10, आपको पता है ये कैलकुलेशन ऐसे आ जाएगी। अब ये माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 3 बच जाएगा और लॉग 10 बच जाएगा, ये बात भी आपको पता है। और लॉग 10 का क्या मतलब होता है,
log 10 जिसका बेस कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां पे बेस हमेशा 10 माना जाता है, आपको पता है, और ये log 10 इक्वल्स टू 1 होता है, log 10 इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका बेस अपना आप ही मान लेंगे कि 10 होता है, तो यहां से ये log 10 हो जाएगा। अब अगर मैं log 10 की वैल्यू 1 रख दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.001 है, बेसिकली उसका पीएच कितना है बच्चों, 7। ठीक है, तो ये पीएच निकालने का तरीका है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये जो स्केल है जिसमें बीच में 7 है, इस तरफ 0 है और इस तरफ 14 है, तो ये यहां, ये कहां पे आएगा, तो आपको पता है ये कहीं तकरीबन यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर ये वीक एसिड है, ये किस किस तरीके का है, तो आप कहेंगे 7 से तो ये काफी कम है, मगर 0 से ऊपर है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बीच बीच का है, इसको बहुत कम स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन के ऊपर ये इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का है, बीच बीच की स्ट्रेंथ का एक एसिड है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से बच्चों क्या निकालते हैं, उसके लिए pH निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे करके इस सॉल्यूशन की, जो आपने pH का एक एग्जांपल से देखा, आपको एक दो एग्जांपल से और मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बाकी तो एग्जांपल्स बच्चों आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा 1/10.001 और 10^-6, ये देखिए ये 3 कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन मैंने आपको दिए, 1, 2, 3, ये तीनों की क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ये क्या है, तीनों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर मैंने आपको दी, तो मैंने पूछा सॉल्यूशन ए बी और सी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो आप इन तीनों की वैल्यूज को इसमें रख करके पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा पीएच किसकी आ रही है, सबसे कम पीएच किसकी आ रही है। देखिए सॉल्यूशन नंबर ए के लिए देखेंगे तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव जो कि 1/10 है, ठीक है ना, 1/10 को हम क्या कहते हैं, माइनस लॉग 10^-1 कहते हैं, और यहां से माइनस 1 जब आगे आ जाएगा तो इसकी पीएच आ जाएगी बच्चों 1 log 10, जिसे कि 1 कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए के लिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो पहले वाले सॉल्यूशन की पीएच कितनी आ रही है, पीएच इक्वल्स टू कितनी आ रही है बच्चों आपकी, 1। दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन नंबर बी के लिए, सॉल्यूशन बी के लिए अगर आप पीएच चेक करेंगे तो पीएच विल बी माइनस लॉग 0.001 जो कि अभी हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल किया, आप लोगों को पता है माइनस लॉग 10^-3 और यहां से हमारी पीएच आ रही थी 3, ये अभी हमने लास्ट टाइम किया, इसका मतलब इसकी पीएच आ गई बच्चों हमारी 3। और इसके बाद सॉल्यूशन सी का केस है, सॉल्यूशन सी में हमने पीएच देखा, पीएच जो थी माइनस लॉग 10^-6 आई थी, इसको माइनस माइनस 6 log 10 या फिर इसको 6 बोलेंगे, और इसकी पीएच बच्चों कैसे कैलकुलेट होगी, कितनी कैलकुलेट होगी, 6। तो अब मैं आपको पूछूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन 1 पीएच का है, एक 3 पीएच का और एक 6 पीएच का है, तो ये तीनों क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि इनकी पीएच 7 से कम है, मगर इनमें से जो 1 पीएच वाला सॉल्यूशन 1 है ये सबसे अधिक एसिडिक है, और इसमें जो पीएच 6 वाला है वो सबसे कम एसिडिक है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इनके घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम को निकाल सकते हैं, अगर आपको क्या पता है, उनकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता है। एक बात तो मैंने आपको ये बताई बहुत क्विकली, इसके साथ मैं आपको दूसरा पहलू भी क्लियर करा देना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये तो हमारे पास, अगर देखिए हमारे पास कोई एसिड था,
अगर हमारे पास कोई एसिड था तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव था, है ना। H पॉजिटिव कहाँ होते हैं, एसिड में होते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एसिड था तो उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन नोन थी, पता थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसकी पीएच निकाली और एसिड की पीएच निकाल पाए। अगर सपोज करो, ठीक है ना, तो उसको हमने निकाला कैसे, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव से। ये फॉर्मूला तो बच्चों मास्टर फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर कभी हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो विलयन हमारे पास है, वो विलयन ऐसी चीज का है, जैसे मैंने कहा NaOH, अगर मैं NaOH का विलयन बनाऊंगा तो इसमें तो H पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो OH है। यहाँ तो जो आयन होंगे वो या तो Na पॉजिटिव होंगे या फिर OH नेगेटिव होंगे। तो ऐसे केस में बच्चों, अगर आपके सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ही हो, सॉल्यूशन में केवल OH नेगेटिव ही प्रेजेंट हो, तो आप इसकी pH डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आप इसके लिए POH कैलकुलेट करेंगे। आप इसके लिए pH नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप इसके लिए POH कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूले में कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी POH की डेफिनेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप इसके लिए डायरेक्ट पीएच न कैलकुलेट करके पीओएच कैलकुलेट करते हैं। अब आप पीओएच और पीएच को कैसे लिंक करते हैं ये भी समझ लीजिए, और इसके लिए एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, कितना 14। अगर आपको कभी POH पता है तो आप pH निकाल सकते हैं, और अगर आपको कभी pH पता है तो आप POH निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप तो ज़्यादातर pH के स्केल से ही ध्यान रखते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है, तो आपको वैसे निकालना हमेशा pH ही है। पर POH की वैल्यू निकाल सकते हैं आप ऐसे विलयनों के लिए जहाँ पे OH वाले सब्सटेंस है, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने विशेष तौर पे। तो मैं अभी आप लोगों को इस एग्जांपल को करवाना चाह रहा हूं। NaOH का एक सॉल्यूशन हमारे पास है जहां पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 0.001 है, ठीक है ना। तो मैं इस एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। देखिए बच्चों, OH आयन की कंसंट्रेशन अगर हमें पता है तो हम POH कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग और OH आयन की कंसंट्रेशन जो कि क्या है 0.001, या फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो लॉग 10^-3, या फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो लॉग 10 या फिर 3। तो इसके लिए हमारे पास POH कैलकुलेट होकर क्या है बच्चों, 3। हमारा सोल्यूशन जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, उसकी पीओएच 3 होगी। अब चूंकि हमने पीओएच निकाल ली तो हम पीएच निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पीओएच की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो तो पीएच प्लस पीओएच जो कि 3 है इक्वल्स टू 14। तो यहां से पीएच कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों 11। यहां से पीएच क्या निकली हमारी 11, ठीक है। अब अगर हमने 11 पीएच निकाली तो अपने स्केल में आकर के चेक करो कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। आपको पता है 7 से ऊपर 14 तक क्या होता है, बेस होता है। तो एक तो ये बेसिक हो गया, और दूसरी बात कितना बेसिक हो गया, इसकी इसकी पीएच कहीं यहाँ पे आ रही है 11, ये इससे ऊपर 8, 9, 10 होंगे, 11 नंबर पे ये 12, 13, 14। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का बेस है। ये एक ऐसा क्षार है जिसकी क्षारीयता जो है वो किस तरीके की है, बीच के स्तर की, ना ये बहुत अधिक क्षारीय है और ना बहुत कम क्षारीय है, ठीक है ना। तो ये इसका अगला तरीका है जो आपने निकालना है। अब आप लोग चाहें तो ये प्रश्न अपने दिमाग में लेकर के आगे सर्च कर सकते हैं कि मैंने ये पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 कैसे प्रूफ किया,
ठीक है ना, आप चाहें तो इसको आगे ढूंढ सकते हैं। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 वाटर के केस में ही प्रूफ हो सकता है, जहां पे आपने विलयन में कुछ नहीं डाला, केवल वहां पे एच पॉजिटिव है और ओएच नेगेटिव है, और चूंकि पी वाटर में उतने ही एच पॉजिटिव है और उतने ही ओएच नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों को बराबर बराबर साथ साथ मान करके, क्योंकि न्यूट्रल के केस में क्या होता है पीएच 7 होती है, तो पीएच 7 होती है तो पीओएच भी 7 होती है, इसलिए इन दोनों को जोड़ के 14 आता है। आप चाहेंगे तो इसको कुछ बुक्स में, कुछ अच्छी बुक्स जो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक हो या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक हो, उससे इसको डिराइव करने के लिए भी सीख सकते हैं। अदरवाइज जितना मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल को करने के लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। ये तो हो गई बात एक, और दूसरी बात ये कि ये जो pH is equal to minus log H positive है, ये फॉर्मूला केवल तब ही यूज होगा जबकि आपका जो एसिड या फिर बेस जो दिया हुआ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, और यदि वीक एसिड और वीक बेस है तो उसके लिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराया जाएगा कि और जो सॉल्यूशंस होंगे उनमें पीएच और पीओएच कैसे निकाले जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना जरूरी हो जाएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।